नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल फिरकी गेंदबाज हरभजन सिंह की। आपका स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। आपकी फिरकी चलेगी कि नहीं इस बार? पाकिस्तान वाले तो बड़े तेज हैं जी, दुआ करें चले। दुआ तो वो भी कर रहे होंगे कि आप नहीं चले। नहीं, वो भी कर रहे हैं, पर ऑब्वियसली हमारी कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमारे लिए ज्यादा दुआ होगी तो काम हमारे आएगी। सवाल जी हरभजन सिंह जी, कि आपकी जो गेंदबाजी है जी पाकिस्तान के सामने, उनके पास तेज गेंदबाज है, शोएब अख्तर आ गए इस बार उनके साथ, अफरीदी है, आपको लगता है कि पाकिस्तान के मुकाबले में आपको डर तो लग रहा होगा थोड़ा सा अंदर अंदर से? नहीं, डरना क्यों है कि आपकी पिटाई ना हो? नहीं, पिटाई तो खैर क्या होनी है, ऐसी तो बात सोच के आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। ऑब्वियसली जब आप खेलने जाते हो तो ये सब चीजें आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। एंड ऑफ द डे आपको ये पता होना चाहिए कि आज मैच में क्या करना है और व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर द टीम एंड व्हाट इज माय रोल फॉर द टीम, और उसके ऊपर खेलने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं पिछले 9-10 साल से खेल रहा हूँ तो मैं कोई नया तो हूँ नहीं जिसको अभी डर लगे कि पहला मैच खेल रहा हूँ। तो आई प्लेड लॉट ऑफ गेम्स। तो पाकिस्तान से जो है, पाकिस्तान के भी अग्रेशन बहुत है ना, उनके अफरीदी उनके साथ है, शोएब मलिक है। नहीं नहीं, वो अच्छी टीम है नो डाउट, और उनके पास दे हैव सम क्वालिटी प्लेयर्स जिनके अच्छे रिकॉर्ड्स भी हैं इंडिया के सामने, और हमारे पास भी अच्छी टीम है जो कि हम पाकिस्तान में जाके टेस्ट सीरीज जीते हैं, वनडे सीरीज जीते हैं, तो हमने काफी अच्छी क्रिकेट खेली उनके साथ पिछले कुछ समय से, जो कि एक अपने आप में हमें कॉन्फिडेंस देता है कि हमने उनको बहुत बार हराया है, और हराया है इसका मतलब ये नहीं है कि अब उनको अब इस बार भी हम उसी तरीके से हरा सकते हैं। वील स्टिल हैव टू प्ले गुड क्रिकेट टू बीट देम बिकॉज दे आर गुड साइड, वी हैव टू रिस्पेक्ट द ऑपोजिशन, और जैसा मैंने कहा है उनके पास अच्छे खिलाड़ी हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी जो कैपेबिलिटीज है जिस पे हम अच्छा खेल सकते हैं उस पे कॉन्सेंट्रेट करें, रादर देन की ओपोजिशन के ऊपर ज्यादा ध्यान लगाएं कि पाकिस्तान में आपको लगता क्या उनके प्लस पॉइंट क्या उस टीम के जो आई है आपके जिस तरह आप खेलने जा रहे हैं? प्लस पॉइंट ये है कि वो अभी लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, और जो उनके मोहम्मद यूसुफ है वो काफी अच्छी फॉर्म में है, या यूनिस खान है काफी अच्छी फॉर्म में है, और शोएब अख्तर जैसे वापस आए हैं टीम में, फिर मलिक जो नए कप्तान है उनको अपने आप काबिलियत साबित करनी है, तो बहुत सी पॉजिटिव चीजें उनकी टीम में हैं जो कि एक अच्छी टीम में होनी चाहिए। हमारा टर्मिनेटर आप बैठे हैं, आपका टारगेट कौन सा है उसमें? आपने किसको बना रखा कि इसकी मैंने जरूर विकेट उखाड़ के फेंक देनी है? नहीं, खैर कोशिश तो करूंगा कि मैं कि जैसे अनिल कुंबले ने 10 विकेट लिए, हर आदमी चाहता है कि मैं भी कुछ अच्छा ही परफॉर्मेंस करूं, बड़ा परफॉर्म करूं, और मैं कोशिश करूंगा कि अपने में पोटेंशियल पे खेलूं और जितना मेरे में कैपेबिलिटीज हैं उसको मैं अच्छे तरीके से खेलूं और ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस अपने लिए, मेरे देश के लिए करूं। और ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज होती है, इंडिया पाकिस्तान इज ऑलवेज बिग सीरीज, तो बहुत हाइप होती है, लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी होती है क्या हो रहा है, तो रिजल्ट्स जो है बहुत मैटर करते हैं इसमें, हार जीत जो है वो बहुत काफी ये एक दूसरे मैचेस से लेके अलग होती है क्योंकि इसमें पूरी जनता इन्वॉल्व हो जाती है। पूरी क्राउड जो इंडिया का, पूरा देश के जितने भी नागरिक हैं वो सब इन्वॉल्व हो जाते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो एक्सपेक्टेशन जो है नॉर्मल क्रिकेट नहीं होता है ये, जो बढ़ जाती है, तो आई ट्राई माई बेस्ट टू प्ले टू माई पोटेंशियल एंड फुलफिल दोज एक्सपेक्टेशंस। हरभजन सिंह की जिम्मेवारी के सीनियर हैं आप स्पिनर, इस वक्त अनिल कुंबले खेल नहीं रहे हैं और सबसे ज्यादा जिम्मेवारी आपके ऊपर है और वर्ल्ड 2020 के चैंपियन हैं आप, तो आपके ऊपर प्रेशर तो बहुत होगा। खैर ऑब्वियसली जब आप घर पे खेलते हो तो प्रेशर तो होता ही है, एक्सपेक्टेशन जैसे मैंने कहा कि काफी होंगी, और बट यू कांट रियली थिंक अबाउट कि इतना प्रेशर है, ये हो रहा है, बहुत सी चीजें अखबारों में छपती हैं, मीडिया जो है उस चीजों को उछाल उछाल के लिखता है या टीवी पे दिखाता है, तो उस चीज से जस्ट अवेयर रहना चाहिए क्योंकि ये बड़ी सीरीज है, जस्ट फोकस करना चाहिए गेम के ऊपर, और आई एम श्योर कि एवरीबॉडी हम लोग बार बार ब्लेम करते हैं, हम तो वही दिखाते हैं या लिखते हैं जो आप करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप दिखाते हो जो किसी को पता ही नहीं होती है वो चीज हुई है नहीं, वो स्टोरी किसी और ही एंगल से चल जाती है। कौन सी वाली है, कोई याद है आपको कि अपने बारे तुम्हारे बारे में कुछ? बहुत सी ऐसी स्टोरी कैसी है जो नहीं, खैर ये ऐसी चीजें मैं यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहूंगा, पर आई एम श्योर कि सबको पता है कि वो कौन सी चीजें होती हैं जो कि अखबार में छपती हैं, वो कई चीज तो ऐसी हम बोलते भी नहीं है वो छप जाती हैं, तो क्योंकि पाकिस्तान से आप वहां गए थे जीत के आए थे वहां से, अभी अभी आपने ऑस्ट्रेलिया के जो 2020 मैच हुआ, अगर आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं होती शायद वो भी आप आ जाते, तो
आपके ऊपर हरभजन सिंह के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो पाकिस्तान के अंदर आपको, क्योंकि उनकी टीम बल्लेबाजी अच्छी करती है और स्पिनर जब पिटना शुरू होता है तो बहुत पिटता है। नहीं स्पिनर नहीं, बॉलर तो वनडे क्रिकेट में तो कोई भी पिटना शुरू हो तो बहुत पिटता है। स्पिनर ज्यादा पिटता है ना, उसको फेंकना जरा बाहर आसान होता है। सर वो आपको लगता है क्योंकि आप वो गेम खेल नहीं रहे हो, आपको लगता है, पर जब बैट्समैन सेट होता है उसके लिए स्पिनर हो या फास्ट बॉलर एक ही पेस के लगते हैं उनके बराबर। पर ये कि ऑब्वियसली पाकिस्तानी टीम में तो है ना कि स्पिनर को, हां दे आर वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन बॉलिंग, वो तो है ही, पर ये है कि एंड ऑफ द डे दे विल स्टिल हैव टू प्ले, क्योंकि उनका भी टारगेट आप हो गए कि अगर आपको इन्होंने डिमोरलाइज कर दिया पाकिस्तानियों ने तो वो स्पिन आपको देख खेला बहुत है उन लोगों ने, वो तो देखी जाएगी जब होगा, क्योंकि मेरा भी टारगेट होगा बहुत से बैट्समैन को आउट करना, तो मैदान में जब आप खेलते हो बराबर का मुकाबला होता है, फिर वो वहाँ पे भाईचारा तो है नहीं वहाँ पे, मतलब ठीक है देयर ऑल फ्रेंड वी आर ऑल फ्रेंड लाइक है ना आउटसाइड द पिच आउटसाइड द मैच, पर जब ग्राउंड में मैच होता है टफ मैच होता है तो वहाँ फिर पूरे जोश के साथ मैच होता है, तो वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट एंड कोशिश करूंगा कि मैं अपनी पोटेंशियल पे खेलूं और अच्छा प्रदर्शन करूं। क्योंकि उसमें ये है ना कि बच्ची हो क्या रहा कि आपकी पहले जो थी ना सारी गेम, दूसरा आपने फेंकना शुरू किया, आपकी टेक्निक्स जो हैं वो जो आपके कारतूस थे ना सारी आपकी बंदूक के अंदर वो काफी चल चुके हैं, अभी आप बड़े इकोनॉमिकल बॉलर हैं, पर विकेटों के मुकाबले जब देखा जाए वो थोड़ा उतनी सक्सेसफुल नहीं है जितने आपकी बॉलिंग अच्छी है। ये भी उसके ऊपर भी बहुत नई तलवार में कुछ है आपके बंदूक में कुछ है कि जो निकालेंगे भी नहीं, बहुत धार लगा के लगाया लेके आया हूँ तलवार को मैं लगा के कुछ नहीं करके आए यार, नहीं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और देखिए टीम में रोल होता है, हर आदमी को रोल मिला होता है कि आपने कहाँ पे बॉलिंग करनी है, जैसे कि मैंने कहा मैं बॉलिंग करता हूँ, जैसे आपने कहा विकेटे जो है कि उतनी नहीं मिल रही जितनी आप मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरा रोल चेंज हुआ है। मैं पहले बॉलिंग करता था 20 15 ओवर के बाद बॉलिंग आती थी, फिर 40 ओवर तक मेरे 10 ओवर पूरे होते थे और मैं 10 ओवर लगातार फेंकता था, और जब आप लगातार बॉलिंग करते हो तो यू हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग द बैट्समैन आउट। पर अब जो मेरा रोल है टीम में, मैं पावर प्ले में 2-3 ओवर करता हूँ, फिर बीच के ओवर्स में मैं 4-5 ओवर करता हूँ, फिर स्लॉग ओवर्स में 2-3 ओवर करने पड़ते हैं, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ने के कारण पहले आपका काम था विकेट लेना, अब काम है को रन को कंट्रोल करना, कंट्रोल करना नहीं। अब जो है मैंने देखा है कि लास्ट जितने भी मैचेस में खेला हूँ मैंने ओवर्स जो है अपने 10 ओवर लगातार स्ट्रेच नहीं किए, और वो जो मैंने ओवर किए वो 4 ओवर 3 ओवर 2 ओवर ऐसे स्पेल्स में ओवर किए हैं, तो जैसे आप छोटे छोटे स्पेल्स में ओवर करते हो तो उसमें आपको विकेट लेना मुश्किल होता है, जैसे आप एक ही स्ट्रेच में बॉलिंग करते हो तो वहाँ आपको विकेट लेना आसान होता है। बट आई एम श्योर कि जिस दिन मेरा दिन अच्छा होगा उस दिन वो गुच्छे के साथ ही आ जाती है, एकदम सारे अंगूर गिरेंगे। जी जी, पाकिस्तान जो अभी मैच सीरीज शुरू होने वाली है आपकी मंडे से, तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाना है आपको, तो असली कंपटीशन एक तो यहाँ टेस्ट हो जाएगा कि आप कितना खेलते हैं होम ग्राउंड के ऊपर, फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके आपकी पिटाई होगी कि नहीं होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑस्ट्रेलिया की भी स्ट्रेटजी क्या होगी आपकी, कि वो बदला लेने की कोशिश करेंगे आपसे मामी? नहीं, हम भी बदला लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे जो सीरीज है वो काफी लास्ट में हमने अच्छा खेला है, लास्ट लगातार हम 2 गेम उनसे जीते हैं, तो ऑब्वियसली वी हैव द टीम जो कि वहां पे जाके अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। लास्ट टाइम हम जब वहां पे गए थे हमने टेस्ट सीरीज वहां ड्रॉ की थी, वी शुड हैव वन दैट टेस्ट सीरीज की, सिडनी में हम वो मैच निकाल नहीं पाए समहाउ, बट आई एम श्योर कि जिस तरह की हमारी टीम है और जिस तरह की इंडिविजुअल्स हैं हमारे पास, वी कैन ऑल मैच की उनके साथ की किसी ग्राउंड पे भी हो कहीं भी मैच हो, इफ वी प्ले टू आवर पोटेंशियल वी कैन बी एनी टीम। जिस तरह की आपके उसको सुना है कि आप बड़े मजाक बात करते हैं दूसरे के साथ, आप खिंचाई करते लोगों की, आप सीनियर हो गए आप तो जूनियर से सीधी सीरियस बात से कहीं मजाक पे ले गए मजाक में क्रिकेट में जो है ना एंटरटेनमेंट होता जा रहा है ना, तो मैं सीरियस बात आपने की मैं करूंगा उसके बाद आपकी, जब आप जो है हरभजन सिंह सीनियर है बच्चे हैं बाकी जूनियर तो आप बड़ी खिंचाई करते लोग, मैं भी बच्चा ही हूँ, बच्चे 27 बाकी कोई 21 का है कोई 22 का वो है। तो अभी आए हैं ना, तो खिंचाई करते हो ना आप? नहीं, नकल भी करते हैं उन लोगों की, सब हमारे दोस्त हैं और जो टीम में आता है उसको हम कोशिश करते हैं कि जितना वो कंफर्टेबल उसको जितनी जल्दी हो सके उसको ऑल द वी ट्राई टू गिव हिम ऑल द कंफर्ट। वो तो आप करते हैं स्पोर्ट्स में उनको ट्रेन कर रहे हैं, पर उसके बाद मजे भी लेते हैं आप थोड़े से जी, बज्जी मजे लेते हैं। नहीं बज्जी नहीं, पूरे मैच जब टीम मीटिंग होती है उसमें अगर सपोज कोई नया आदमी आता है तो उसको अगर स्पीच देनी पड़ती है तो उसमें अकेला मैं ही नहीं चला रहा होता हूँ कि इसकी स्पीच लो, और बाकी सब भी चला रहे होते हैं, तो ये है कि मेरा नाम ऐसे ही आ जाता है, मैं कुछ भी बोलूँ मेरा नाम सबसे ऊपर आ जाता है किसी भी काम में। तो आप स्पीच करवाते हैं ना उनसे, मजाक कराते हैं? नहीं मैं नहीं करवाता हूँ, पूरी टीम करवाती है। तो आपने किसकी स्पीच कराई थी? अभी तो खैर बद्रीनाथ आए थे टीम में और
उनको हिंदी तो आती नहीं है बंदी को इतनी अच्छी, तो उस बेचारे की हिंदी में स्पीच करवाई थी। आपने कहा हिंदी में बोलो? नहीं, सबने बोला था कि जिसको अंग्रेजी आती है उसको हिंदी में करवाते हैं, जिसको हिंदी आती है उसको अंग्रेजी में करवाते हैं। तो थोड़ा मजा आ जाता है कि उसमें ड्रेसिंग रूम में भी यही काम करते हैं आप? नहीं, ड्रेसिंग रूम में देखिए क्रिकेट में मैदान में जब खेलते हैं इतना टेंस माहौल होता है कि आपको पता है किधर क्या करना है, क्या हो रहा है, बहुत सी चीजें जो है आपके सराउंडिंग चलती हैं, आपकी परफॉर्मेंस, क्राउड प्रेशर, है ना, कि जीतना हारना, वो सब चीजें बहुत सी टाइट कर देती है सिचुएशन। पर जब ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो इतना अच्छा होना चाहिए, इतना रिलैक्स होना चाहिए कि आपको लगे कि मैं इससे बढ़िया जगह ही नहीं है, तो उसमें हंसी मजाक होना ही चाहिए। हरभजन सिंह है ना, हरफन मौला है आप, मैंने सुना न्यूजीलैंड गए थे गंदे जूते पहन के चले गए, $100 जुर्माना हो गया आपके। नहीं, ये बड़ी गलत बात फैलाई हुई है। वो अगले दिन जब मैं न्यूजीलैंड गया हूँ, मेरे को दोनों के जूते जूते खराब थे। ये जूते खराब नहीं थे। अब न्यूजीलैंड उनका रूल है कि वहाँ पे मिट्टी बिल्कुल नहीं जानी चाहिए दूसरे देश की। अब स्पाइक्स हम ग्राउंड पे पहनते हैं उसपे मिट्टी तो लगेगी, तो वो हमने वैसे ही स्पाइक्स पैक किए, हम ले गए। हम अभी हमें ये तो पता नहीं था जूते, हमें ये तो बताया नहीं था कि वहाँ धोखे लेके जाना है जूता है क्या। और फ्लाइट में मुझे 103 बुखार था, तो मैं वहाँ जैसे ही लैंड हुआ हूँ तो उन्होंने कहा कि दिखाओ क्या है, उन्होंने देखा कि जूते के नीचे मिट्टी है। मैंने कहा हाँ, तो ग्राउंड में पहनते हैं तो मिट्टी तो लगेगी। तो फिर उन्होंने उस बात को बहुत वो बना दिया कि जूते साफ नहीं है, वो नहीं है। जैसे मैंने कहा आपकी मीडिया, वो छोटी सी बात उसको आपने इतना बड़ा खींच दिया। आपने कहा था ना एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल वो तो असली मीडिया, हमारा मीडिया नहीं था। नहीं, आपके मीडिया नहीं, ये बात फैलाई है। पर जुर्माना तो हुआ था ना $100? जी, जुर्माना तो हुआ, जुर्माना दिया था ना। पर आप ग्राउंड में भी बहुत शरारतें करते हैं, मैं पूछूंगा, पर छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं मशहूर क्रिकेटर हरभजन सिंह से। आपकी शरारतें बताइए, आपने ऑस्ट्रेलियन को बड़ा तंग किया। अगर वो बोलेंगे तो वो सुनेंगे भी, ग्राउंड में हम क्रिकेट खेलने जाते हैं, गालियां थोड़ी सुनने जाते हैं। अगर वो गाली देंगे तो गाली सुनेंगे। तो गाली उन्होंने आपको खूब देते हैं? मेरे को खूब गालियां दी, और मैं बता नहीं सकता हूँ मेरे को क्या क्या बोला है उन्होंने कोची में। नहीं, मैं वो बता नहीं सकता, सेंसर नहीं करेंगे हम। नहीं, मुझे घर से गालियां पड़ेंगी। क्या गालियां पड़ेंगी? आपने सहन क्यों किया, आपने जवाब तो दिया था। नहीं, मुझे वहाँ जवाब दिया ना, वो ऐसे अब शब्द बोलते हैं कई कई बार की जो की आपको कई बार अकेले बोलते हैं, कौन से पूरा वो गैंग बना के बोलते हैं, जो पास में खड़े रहते हैं ना, वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। जब वो बैटिंग करते हैं तब वो बिल्कुल चुप रहते हैं, जब वो फील्डिंग करते हैं तो सब इकट्ठे अटैक करते हैं। तो आप तो टैलेंट रहे ना, आप बाद में जाते हैं तो आपको तंग करते हैं, सबको तंग करते हैं। आपको ज्यादा प्यार है उनको लगता है आपसे? मैं भी, क्योंकि मैंने उनके साथ परफॉर्मेंस जो हमेशा मेरी अच्छी रही है, तो शायद उनको ये है कि इसको किसी तरह से इसकी परफॉर्मेंस रुके और हम ये माइंड गेम जो है इसमें, तो ये प्रेशर साइकोलॉजिकल होता है या आप लोगों की आदत है छेड़खानी करनी? नहीं, ये लोग जलंधर का मुंडा बाज नहीं आएगा। नहीं, जलंधर का मुंडे बड़े शरीफ है जी। और खैर, ऑस्ट्रेलियन जो है वो उनकी हमेशा से यही रही, आज की तो नई बात तो है नहीं। ऑब्वियसली जब 98 में मेरा डेब्यू हुआ था, तब भी मैं अपने सीनियर से सुना करता था कि दे टॉक लॉट, यू नो, व्हेन दे गो आउट टू फील्ड एंड व्हेन दे प्ले, उनका काफी एग्रेशन रहता है। तो नई बात तो है नहीं, तो वो आजकल जरा हमारे भी लड़के यंग हैं तो जोश जो है, तो इसलिए बिल्कुल। दादा ने मुझे याद है कि 2001 सीरीज में जब हमने इनको हराया था, जिस सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज था, और उस सीरीज में दादा ने भी यही कहा था कि अगर ये ऐसे खेलेंगे तो हम भी वैसे खेलेंगे, अगर ये इनको लगता है कि ये बोल के खेल सकते हैं तो हम भी बोल के खेल सकते हैं। और दादा खुद जाके सिली पॉइंट पे खड़े होकर उनसे बातें करता था, उनको चिढ़ाता था, तो जो कि एक बैट्समैन के दिमाग में बात डालने की बात होती है। तो उनकी गाली मत सुना, तुमने क्या कहा था उनको? नहीं, मैं तुमने वही उसी लैंग्वेज में? नहीं, मैंने उसको बोला था अगर तू ज्यादा बोलेगा तो आई विल जस्ट हिट यू विद द बैट। बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि उनको हमने 20 ओवर में हराया था वहां पे, तो ऑब्वियसली उनको लगता था कि कैसे इंडिया ने हमें हरा दिया। और दे आर वेरी गुड साइड कि जो नंबर वन साइड है, पर उनको थोड़ा एकदम शॉक हो गया कि कैसे हम हार गए 2020 वर्ल्ड कप में उनसे। और फिर वो यहाँ आते ही उन्होंने वो स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी। गेम अभी शुरू भी नहीं हुई थी, गेम अभी हफ्ते बाद शुरू नहीं थी, पहले ही उन्होंने माइंड गेम ये वो
हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बस इले में तो आपकी खिंचाई करेंगे। नहीं वो तो देखी जाएगी जब टाइम आएगा, कौन किसी की खिंचाई करता है। वो तो बल्ला आपको दिखाएंगे वहाँ पे। बल्ला दिखाएंगे, हमारे हाथ में बॉल है। विल सी प्लेड बॉल जीतेगी या बल्ला जीतेगा, बॉल ही जीतेगी। एक बात है, जो सौरव गांगुली कैप्टन थे ना, तब आपकी परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा अच्छी थी, अभी थोड़ी इतनी विकेट नहीं ले पा रहे। दो दादा जो है ना, जो गाली देने में मुकाबला आपके देने, वो उस तरह नहीं, 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 दादा को जो विकेट है वो गालियां देने से नहीं बनती है। ये तो दादा टाइम के बाद, ये क्रिकेट दादा के जमाने में अच्छा खेले, काफी अच्छा खेलते थे, आपका पीक था। चलो आपने तो बोला कहीं तो मैं अच्छा खेला, उन्हें तो हमारी तो मीडिया खिंचाई करता रहता है हरभजन सिंह तो इज यूजलेस। नो, तो रिकॉर्ड बता रहे हैं, मीडिया झूठ लिखता है। बची एक बार बताता हूँ, ये क्रिकेट तो खेलते रहते हैं, इसके अलावा कोई काम धंधा भी करते हैं कि नहीं? कहीं नौकरी वोकरी करते हैं, पुलिस में या सीआईडी करते हैं कुछ लोगों की? नहीं नहीं, पुलिस की जॉब मुझे ऑफर की थी पंजाब गवर्नमेंट ने, पर मैंने ज्वाइन नहीं की क्योंकि हमने अखबार में देखा कहीं कि आप पुलिस में काम करते हैं। नहीं नहीं, पुलिस में काम नहीं करता हूँ क्योंकि मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। और मैं इंडियन एयरलाइंस के साथ हूँ पिछले कुछ 8 सालों से, और उन्होंने मुझे नौकरी उस टाइम दी थी जब मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी लाइफ में। तो आज मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने उस टाइम पे मुझे सपोर्ट किया जिस टाइम पे आई वाज रियली इन टू द कि मुझे कुछ ना कुछ जॉब या कुछ ना कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए लाइफ में। तो गाने का बहुत शौक है, तुम शरारती बात है, कोई अच्छा था गाना सुना तब छोड़ूंगा। अच्छा ठीक है, मैं गाना सुनाता हूँ आपको, गुरदास मान जी का। जद जो बन दी रुत आवे, मुंडा चोरी छिपे नैन मिलावे, कुड़ी हंस के नीवियां पावे, ते समझो मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। मामला गड़बड़ नहीं है, पर नहीं है, नहीं ये तो तुमने बोला ना गड़बड़ है। चुप चुप के आंखें किससे मिला रहे हैं हम पूछेंगे आपसे, पर अब जब पता लग जाए किससे आंखें मिला रहे हैं, आंखें मिल रही हैं जिस दिन शादी होगी, अब सब आओ गई, अब सबको पता चलेगा कि मामला गड़बड़ है। तो मैं मान लेता हूँ मामला गड़बड़ है। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। तो ये थी आज की मुलाकात, सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, इंतजार कीजिए तब तक, और देखते रहिए आज तक।